तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी MP3 गाने को कैसे आप वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी गाने को वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन हो करना होगा। तो चलिए हम काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद से ये पहला जो साइज है 16.9, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद से कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मीडिया पर क्लिक करना है, ठीक है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद से यहाँ से आप एक बैकग्राउंड ले लीजिए, तो आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, उसके बाद से यहाँ पर सही पर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, हम एक सॉन्ग लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉन्ग पर क्लिक करके जिस भी सॉन्ग पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस सॉन्ग को आपको ले लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं उस सॉन्ग को ले लेता हूँ। एग्जांपल के मैं कोई भी सॉन्ग यहाँ से ले लेता हूँ। फाइल में गया, फाइल में जाने के बाद से चलिए मैंने इस गाना को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका गाना आ जाएगा और यहाँ से आप सुन भी सकते हैं इस गाने को, और दूसरा भी लेना चाहते हैं तो सुनकर ले सकते हैं। और प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप ले लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर आपको सही पर क्लिक कर देना है, कोने पर। कोने पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये गाना आ चुका है। तो आपको जितना लंबा गाना है उतना लंबा ये बैकग्राउंड को कर देना है। तो चलिए खींच कर उतना लंबा कर देते हैं। वीडियो लंबी होगी, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। चलिए इतना हो गया इस गाने के बराबर। अब क्या करेंगे, जो भी हमको फोटो लगाना है उस फोटो को आपको ले लीजिए। यूट्यूब थंबनेल के साइज़ का आपका फ़ोटो होना चाहिए यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक कर देना है, उसके बाद से मीडिया पर क्लिक करना है। उसके बाद से आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं अपना कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने फ़ोटो तो बनाया नहीं है लेकिन मैं ले ही लेता हूँ। हिंदी सॉन्ग है तो इसमें कोई भी मैं फ़ोटो लगा देता हूँ। इसमें नहीं है मेरा फोटो, फोटो ये इसमें देख लेते हैं पिक्सल लैब में। चलिए मैंने इसी को ले लेता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब साइज का है, ठीक है, ये थंबनेल। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कैंची के सामने जो एक बक्स दिखाई दे रहा है, बक्स पर आपको क्लिक करना है। बक्स क्लिक करने के बाद से यहाँ पर सबसे ये वाला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा परफेक्ट बैठ चुका है। उसके बाद से यहाँ पर सही पर क्लिक कर देंगे। सही पर क्लिक करने के बाद से क्या करेंगे, इसको हम दो लाइन में कर देंगे। चलिए इसको लंबा कर देंगे, सॉरी, हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस पर भी कोई इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे इफेक्ट लगेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस प्रकार से लगाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, देख लीजिए, देख लीजिए। तो ये अच्छा नहीं है, इसको नॉन में रखेंगे और कुछ इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा इफेक्ट यूज करते हैं, पहले वाला इसमें देख सकते हैं। इसमें कोई भी आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपके ऊपर है, बस सिंपली आप फ़ोटो लगा लीजिए। उसके बाद से फ़ोटो पर आपको नाम वाम सब लिखना होगा, तो देख लीजिए। उसके बाद से आप क्या कीजिए, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर कोने पर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर रेगुलेशन लिख लेना है, ठीक है। तो मैं 720 ही पर करता हूँ। इस पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी वीडियो को, आप किसी भी MP3 गाने को वीडियो में बना सकते हैं और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।